जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि आपको पता है कि भारत में जेट इंजन टेक्नोलॉजी को काफी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है, और इसी बीच जो सैफरान और जीटीआरई है इनके बीच में जो बातचीत है वो चल रही है। लेकिन इसी बीच सैफरान एयरस्पेस ने अनाउंस किया है कि वो भारत पे 110 करोड़ इंजन न सिर्फ बनाने के लिए तैयार है, बल्कि वो भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार है, जिसमें क्रिटिकल हॉट सेक्शन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जो सेल्फ रिलायंस है भारत का, उसको हम समझते हैं, और इसीलिए ये इंजन न सिर्फ भारत में बनाए जाएंगे बल्कि इनके लिए जो पार्ट्स हैं इनको भी डोमेस्टिक कंपनीज से सोर्स किया जाएगा। इस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में सैफरान और जीटीआरई ज्वाइंट रूप से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको होल्ड करेंगी, और जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। यानी भारत चाहे तो अपने खुद के डिफेंस और कमर्शियल नीड को पूरा करने के लिए इन इंजन का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे खास बात तो ये है कि इन इंजन को आने वाले भविष्य में एज एन अपग्रेड राफेल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और तेजस मार्क टू प्रोग्राम में भी भारत अगर चाहे तो इन इंजन को यूज कर पाए। इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक बार फिर से साथ में मिलकर के अब कुछ ऐसा करने वाले हैं जो न सिर्फ तेजस मार्क टू रैम का मार्क 1 की टाइमलाइन को शॉर्ट करेगा, बल्कि कम से कम समय में इनको तैयार करने में मदद भी करेगा। आपको बता दें कि इस समय एचएएल और इंडियन एयरफोर्स एक ऐसे क्रिटिकल फेज की तैयारी कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ जहां तेजस मार्क टू की पहली उड़ान 2025 में प्लान की गई है, तो वहीं एमका की जो पहली उड़ान है 2028 में आयोजित करी जाएगी। अब यहां पर एचएएल और इंडियन एयरफोर्स का जो कोऑर्डिनेशन है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि इनका प्रोग्राम ये है कि जो एक्सपीरियंस अभी तक तेजस मार्क 1 से प्राप्त हुआ है वो उसका इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ तेजस मार्क टू रैम का मार्क 1 की जो डेवलपमेंटल टाइमलाइन है इसको शॉर्ट करने के लिए किया जाएगा, बल्कि जो फ्लाइट ट्रायल्स के लिए नंबर ऑफ ईयर्स हैं और टोटल इन फ्लाइट आवर्स हैं इनको भी मिनिमाइज करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी और रेडीनेस है इसको वैलिडेट किया जा सके और इन्हें प्रोडक्शन रेडी बनाया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट रोजबोरन एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। रोजबोरन एक्सपोर्ट जो कि रशिया की आम एक्सपोर्टर है, उसने भारत के AL-41 इंजन को न चुनने पर चिंताएं व्यक्त करी है, और उन्होंने कहा है कि भारत पुराने AL-31 के साथ जा रहा है, ये जानते हुए भी कि उनके पास ज्यादा कैपेबल AL-41 इंजन के ऑप्शन अभी भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ये इंजन न सिर्फ प्रेडिसेसर की तुलना में ज्यादा पावरफुल है, बल्कि भारत को उसके बहुत सारे एडवांटेजेस मिल सकते हैं। ये न सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज काफी ज्यादा अच्छा है, बल्कि ये 18% ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है। इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो इस्तेमाल करी गई है, जैसे कि इसमें एडवांस थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और इंटीग्रेटेड डिजिटल कंट्रोल दिए गए हैं, और सबसे खास बात तो ये है कि ये मिनिमल मॉडिफिकेशन के साथ जो Su-30M के आई फ्रेम्स हैं इनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में उन्हें इस चीज पे आश्चर्य है कि भारत ने इतने कैपेबल इंजन को छोड़ करके क्यों AL-31 की तरफ जाना सही समझा, और वो इसको लेकर भारत से लगातार संपर्क में है। हालांकि अभी भी भारत ने तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए की जो एक डील है वो क्लियर करी है, जहां पर 200 से ज्यादा जो AL-31 इंजन है वो खरीदे जा रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत सर ने एलसीए नेवी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि इस समय हम भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी को एनहांस करना चाहते हैं, और इसके लिए तत्काल तौर पर डीआरडीओ की तरफ से 8 से 10 की संख्या में जो एलसीए नेवी फाइटर्स हैं ये भारतीय नौसेना को ऑफर किए जा रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करेंगे, बल्कि इनसे प्राप्त होने वाला जो डेटा है वो टेडबिया प्रोग्राम में भी काफी मदद करने वाला है। एलसीए नेवी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का नेवल वेरिएंट है, जो कि विशेष तौर पर मॉडिफाई किया गया है, और सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है कि जो टेडबीएफ प्रोग्राम है उसके लिए ये ट्रेनर की भूमिका भी निभाएंगे। अब आपको पता है कि भारत के पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और इनके लिए हमें बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट की जरूरत है। अब हमारे पास इस समय 40 MiG-29 अवेलेबल हैं, यानी INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के नीड को पूरा करने के लिए जो शोर बेस स्क्वाडन है उसे भी हमें एयरक्राफ्ट कैरियर पर मूव करना पड़ेगा, और ऐसे में जो शोर बेस स्क्वाडन है वहाँ पर एयरक्राफ्ट की संख्या कम हो जाएगी, तो उसको पूरा करने के लिए भी एलसीए नेवी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात तो हम सब जानते हैं कि डीआरडीओ इस समय भले ही ब्रह्मोस और निर्भय जैसे प्रोग्राम पर काम कर रहा हो, लेकिन डीआरडीओ की नज़र हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर भी टिकी हुई है, और इसके लिए डीआरडीओ दिन रात अथक परिश्रम कर रहा है। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में एक नया स्टेप बढ़ा रहा है, जहां पर प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत वो इस प्रोग्राम को एक नया आयाम देगा। प्रोजेक्ट विष्णु को इनिशिएट कर दिया गया है, जहां पर डीआरडीओ नेक्स्ट जनरेशन की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो विकसित करेगा, और भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है इसको मजबूत बनाने का प्रयास भी इनके द्वारा किया जाएगा। अगर हम प्रोजेक्ट विष्णु की बात करें तो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सक्सेसफुल ट्रायल पर आधारित होगा, और इसके अंतर्गत जो HST-DV है, जो कि एक स्क्रैमजेट इंजन से पावर्ड है, वो एक क्रूशल टेस्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी, और इसी पर आधारित होगी हमारी नेक्स्ट जनरेशन की जो एयर डिफेंस मिसाइल या नेक्स्ट जनरेशन की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स काफी अभी यहाँ पर डेवलपमेंट नजदीक है।